serious on this track, fam. So yeah, good morning guys, welcome back to the channel, welcome back to Dipen Moto Vlog. So guys, finally Yamaha के शोरूम LD Motors प्रयागराज फिर से ये FZ250 है और आज इसका व्लॉग करना है तो बिना टाइम वेस्ट किए कीज से स्टार्ट करते हैं। कीज़ पे ध्यान दें तो गाइस कुछ ऐसी हैं FZ250 की कीज़ और कॉमन ही है R15 की तरह छोटी सी, जैसे मैंने कहा था R1 की कीज़ मेरे को बहुत छोटी लगी तो ये भी छोटी कीज़ है R1 की। सो लेट्स बिगिनिंग विद द व्लॉग। हेड कुछ ऐसा है इसका फ्रंट और बहुत छोटा सा लगता है देखने में। और यहाँ पे आपको ऐसे पार्किंग लाइट टाइप या कह लीजिए, आपको LED टाइप या जो कह लीजिए, बल्ब है एक्चुअली, LED भी नहीं है ये, डे टाइम रनिंग लाइट्स कह लीजिए। और यहाँ पे ध्यान दें तो हेड में आपको LEDs मिलती हैं, LED हेडलैम्प है इसके। और फ्रंट फोक्स पे ध्यान दें, टेलीस्कोपिक 41mm के फ्रंट फोक्स हैं और 282mm की फ्रंट डिस्क है इसकी भी, विथ ड्यूअल चैनल ABS आती है FZ250। तो ये आप देख सकते हैं, ये भी 282mm की R1 की तरह सेम 282mm की फ्रंट डिस्क है और ग्लॉसी ब्लैक कलर की फिनिश मिलती है एलॉयज में। यहाँ पे आपको 220mm की रियर डिस्क मिलती है और ड्यूअल चैनल ABS मैंने पहले बताया, ये है, लेट मी शो यू, ये है आपकी ABS प्लेट यहाँ पे। तो 220mm की रियर डिस्क है इसकी और ब्रेकिंग काफ़ी अच्छी है, मैंने टेस्ट राइड वगैरह ली है, पहले भी चलाई है, तो FZ250 की ब्रेकिंग मुझे अच्छी लगी। तो गाइस अगर टैंक पे ध्यान दें तो काफ़ी बल्कि नहीं, एक्चुअली ये क्रूज़र है, क्रूजिंग में इसको गिनती होती है FZ250 की क्रूजिंग के लिए, तो लिटरली बहुत ज़्यादा बल्कि टैंक नहीं है कि आपको प्रॉब्लम हो। और ये हो गया आपकी टैंक लिड और ये अराउंड 14 लीटर का टैंक इसने आपको प्रोवाइड किया था, तो मेरे अकॉर्डिंग क्रूजिंग के लिए 14 लीटर का टैंक सफिशिएंट है। और RI के अकॉर्डिंग इसकी एवरेज है 32 to 35, तो ठीक है, काफ़ी नहीं है, बट हाँ लिटरली 250cc का इंजन है तो उसके हिसाब से काफ़ी इतना एवरेज। और सीट्स पर ध्यान दें तो सीट्स भी काफ़ी अच्छी है, टूरिंग लायक हैं और पिलियन सीट्स भी काफ़ी लंबी हैं और इनकी पैडिंग भी बहुत ही अच्छी है, कम्प्लीटली यहाँ की तरफ से स्टिच होके आती है, तो आपके ऊपर है, आप कवर लगाना चाहो, चाइना लगाना चाहो। ये आपके ग्रेवल्स हो गए तो ग्रेवल भी काफ़ी अच्छे हैं, प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। हाँ, टेल पे ध्यान दें तो आपको पीछे LED मिलती है और इंडिकेटर्स में आपको बल्ब मिलेंगे और कुछ ऐसा इसका टेल है। और ये हो गया नंबर प्लेट सेगमेंट, यहाँ पे नंबर प्लेट लगती है यहीं पे आपके, तो टेल भी काफ़ी अच्छा है, नाइस लुक आता है पीछे से काफ़ी। और यहाँ पे आपको इस तरीके से यामाहा की बैजिंग मिलती है, यहाँ पे इंस्ट्रूमेंटल कंसोल कुछ ऐसा है, इंस्ट्रूमेंटल कंसोल बहुत कुछ खास नहीं है। यहाँ पे ABS की लाइट मिलती है, यहाँ न्यूट्रल का, ये इग्निशन की लाइट थी ऑफ हो गई, लेट मी शो यू, मैं फिर दिखा रहा हूँ, ये ऑन हुई, इग्निशन की लाइट है ये। और ये हो गया RPM का हो गया और स्पीडोमीटर हो गया आपका और एवरेज अराउंड कितना दे रही है बाइक और फ्यूल का हो गया। गियर शिफ्ट इंडिकेटर्स नहीं है तो लिटरली थोड़ा डिसअपॉइंटिंग है, क्योंकि अब यामाहा को शायद गियर शिफ्ट इंडिकेटर्स देने चाहिए थे इसमें। यहाँ पे आपको यामाहा की बैजिंग मिलेगी इस तरीके से और यहाँ पे एक बटन सिर्फ मिलती है रीसेट या जो भी होता है यहीं से होगा। और अगर हैंडल बार पर ध्यान दें कुछ इस तरीके का लुक है, ये इंजन किल स्विच हो गई, जो गई ये आपका सेल्फ हो गया, यहाँ पे लो बीम हाई बीम पास बीम यहीं से पड़ता है और ये आपका इंडिकेटर का हो गया और ये आपका हॉर्न हो गया। तो गाइस फाइनली अगर क्लच पे ध्यान दें तो ये वेट मल्टीपल डिस्क है, स्लीपर क्लच नहीं मिलते हैं। टैंक पे फिर से ध्यान दें तो यहाँ पे आपको यामाहा की बैजिंग कुछ इस तरीके से मिलती है और यहाँ पे आपको लिखा मिलता है FZ25-25 means 250cc। सो गाइस ओवर ईयर अगर इंजन पे ध्यान दें तो यहाँ पर 249cc का सिंगल सिलेंडर फोर स्ट्रोक का इंजन मिलता है और इट कैन गिव अप टू मैक्सिमम पावर ऑफ 20 PS एट 10,000 RPM एंड मैक्सिमम टॉर्क ऑफ 20 PS एट 6,000 RPM। ठीक है, टॉर्क अच्छा है तो टूरिंग में आपको मे बी ये हेल्पफुल हो सकती है। और यहाँ पे गियर शिफ्ट इंडिकेटर, गियर शिफ्टर कुछ ऐसा। हॉर्स नोट सुन लीजिए, ईयरफोन यूज़ करिए आप प्लीज़। थैंक यू। सो गाइस फाइनली अगर आवाज़ पे ध्यान दें तो हाँ, मुझे हल्का भारी है आवाज़, ठीक ही ठाक है 250cc के। मुझे सबसे ज़्यादा विकार ही लगा कि 250cc की बाइक है, स्लीपर क्लच नहीं है, पहला फॉल्ट, 5-speed ट्रांसमिशन है दूसरा फॉल्ट, और तीसरा फॉल्ट यार एयर कूल्ड है। तो गाइस फाइनली यही इसका रिव्यू था और मुझे जो इसमें प्रोस थे मैंने बता दिए, कॉन्स जो मुझे लगे मैंने सब बता दिया, प्रोस एंड कॉन्स। ऑन रोड प्राइस हमारे प्रयागराज में है 1.67 लाख रुपीज़ और इसका कर्व वेट है 148
kg. तो गाइस फाइनली इसका ब्लॉग यहीं पे खत्म करते हैं, होप से वीडियो पसंद आया, लाइक मारो, शेयर करो, सब्सक्राइब कर देना और इंस्टाग्राम पे याद से फॉलो कर लेना। इंस्टाग्राम पे फॉलो करने से ये होगा कि नेक्स्ट टाइम कोई भी मैं व्लॉग करने वाला रहता हूं तो उसका इंस्टेंट अपडेट इंस्टाग्राम स्टोरीज में जाता है मेरे फीड्स में। सो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना, इंस्टाग्राम का लिंक वगैरह हर चीज डिस्क्रिप्शन में दिया रहता है। It's getting serious on this track.